एवरीवन, हाउ यू ऑल। तो एस ब्लॉक आप लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है। मैराथन में तो मजा ही आ गया सबको एस ब्लॉक पढ़ के। तो पूरी ब्लॉक केमिस्ट्री खत्म करने के बाद अब हम देखेंगे क्वेश्चन। इनऑर्गेनिक का देखो मंत्र वही है, रीड रिपीट रिवाइज, ठीक है। तो आपको बार बार रीड करना पड़ेगा, साथ में हम कोई वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस नहीं छोड़ने वाले हैं। तो एग्जाम्पलर पीवाईक्यू एंड दिस इज एपीक्यूज। एपीक्यूज बोले तो ऑल पॉसिबल क्वेश्चन, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस मिलाकर आपके हो जाते हैं ऑल पॉसिबल क्वेश्चंस बेटा, जो नीट 2022 के लिए इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है। तो प्रिडिक्शन है, होपफुली रिलेटेड क्वेश्चंस नीट 2022 में आपको देखने को मिलेंगे। सो क्वेश्चंस हमें करने हैं बेटा। स्पेशल क्लास में भी आप लोग क्वेश्चन जरूर अटेंड करिएगा एस ब्लॉक के। स्टार्ट करते हैं एपीक्यूज। क्रैश कोर्स अभी तक जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है ज्वाइन कर लो यार, रिवीजन का सबसे अच्छा मौका है आपका नीट 2022 उम्मीद क्रैश कोर्स। जिनको एक डिटेल मतलब गाइडेड हैंड चाहिए, जिनको एकदम विद प्लानिंग पूरा 45 डेज में अपना नीट का सिलेबस एक बार फिर से कवर अप करना है, ज्वाइन द क्रैश कोर्स। यूज द कोड आनंद, गेट द डिस्काउंट एंड एलिमेंट फ्रॉम ग्रुप वन प्रोवाइड्स अ कलर टू द फ्लेम ऑफ बंसन बर्नर ड्यू टू। क्यों ग्रुप वन के एलिमेंट्स कलर प्रोवाइड करते हैं? आपने देखा होगा फ्लेम कलर्स, एक पूरा हमने टॉपिक पढ़ा हुआ है फ्लेम कलर्स का। मैंने आपको न्यूमोनिक भी बताया है फ्लेम कलर्स याद करने का, राइट। लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है और सीसियम है। तो लिथियम गिव्स क्रिम्सन कलर, क्रिम्सन रेड यू कैन से। सोडियम गिव्स येलो, पोटेशियम गिव्स वॉयलेट, रुबिडियम गिव्स रेड एंड सीजियम गिव्स ब्लू कलर। मतलब जब आप फ्लेम पे रखते हो इन मेटल्स के पीस को, तो ये हमें पर्टिकुलर कलर मिलते हैं। क्यों मिलते हैं, क्या रीजन है? क्योंकि इनका आयनाइजेशन पोटेंशियल बहुत कम होता है और इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन निकलता है और एक्साइटेड स्टेट में जाता है। और जब इलेक्ट्रॉन निकल के एक्साइटेड स्टेट में जाता है तो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है और उस वेवलेंथ के कॉरेस्पॉन्डिंग हमें कलर मिलता है। तो द रीजन इज, द प्राइमरी रीजन इज लो आयनाइजेशन पोटेंशियल। नेक्स्ट, द डेंसिटी ऑफ अल्कली मेटल्स आर क्वाइट लो एज कंपेयर टू अदर मेटल्स एंड द डेंसिटी इंक्रीजेस फ्रॉम लिथियम टू सीजियम। क्या ये करेक्ट है स्टेटमेंट वन? सम अल्कली मेटल्स लाइक लिथियम सोडियम एंड पोटेशियम आर हेवियर देन वाटर। तो क्या स्टेटमेंट वन करेक्ट है कि भाई डेंसिटी इंक्रीज हो रही है लिथियम टू सीजियम? आई वॉन्ट से कि ये करेक्ट है, क्योंकि ये डेंसिटी का पर्टिकुलर यही ऑर्डर नहीं है। डेंसिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है बट नॉट फ्रॉम लिथियम टू सीजियम। आप देखो डेंसिटी में लिथियम के बाद आता है पोटेशियम, देन सोडियम, देन रुबिडियम एंड देन सीजियम। तो लिथियम टू सीजियम बेटा एकदम ऑर्डर में डेंसिटी नहीं बढ़ती। तो ये डेंसिटी का एक्सेप्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एल्कली मेटल्स में और हमने ये क्लास में भी देखा है। तो स्टेटमेंट टू, सम एल्कली मेटल्स लाइक लिथियम सोडियम एंड पोटेशियम आर हेवियर देन वाटर। दिस इज नॉट ट्रू। तो इफ बोथ स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू आर ट्रू, इफ स्टेटमेंट वन इज ट्रू बट स्टेटमेंट टू इज फॉल्स, एंड इफ बोथ स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू आर फॉल्स, इफ बोथ वन इज ट्रू टू इज फॉल्स, तो ऐसा नहीं है, वन हमारा ट्रू नहीं है, बोथ वन एंड ट्रू आर ट्रू ये भी नहीं आएगा, बोथ वन एंड नहीं। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, बोथ स्टेटमेंट वन एंड टू आर फॉल्स, क्योंकि वन करेक्ट नहीं है, राइट। विच अल्कली मेटल इज मोस्ट मेटालिक इन कैरेक्टर? देखो मेटालिक कैरेक्टर कैसे बढ़ता है, जब हम लिथियम से सीजियम की तरफ जाते हैं डाउन द ग्रुप, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। मोस्ट मेटालिक इनमें से कौन सा मेटल होगा मेरे पास? मोस्ट मेटालिक विल बी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? एल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड आर हाइग्रोस्कोपिक। एल्कली मेटल के हाइड्रोक्साइड हाइग्रोस्कोपिक है। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब होता है एब्जॉर्ब मॉइस्चर। क्या वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करते हैं? आपने सुना होगा NaOH के बारे में, कि NaOH को अगर खुला ऐसे बर्तन में रख दोगे, आपने NaOH रख दिया बेटा, ये मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है इवन फ्रॉम द एटमोसफेयर। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है,
दूसरा डिसोल्यूशन ऑफ एल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड इज एंडोथर्मिक, मतलब अगर आप एल्कली मेटल के हाइड्रोक्साइड को डिसॉल्व करोगे पानी के अंदर, NaOH को आप पानी में डालोगे, ये एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है? डिसोल्यूशन ऑफ एल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड इज एंडोथर्मिक इज इनकरेक्ट, क्योंकि एक्सोथर्मिक है बेटा, हीट निकलती है, अच्छा हीट निकलती है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एक्वा सोल्यूशन ऑफ एल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड आर स्ट्रॉन्गली बेसिक, करेक्ट है, बहुत बेसिक होते हैं एल्कली मेटल के हाइड्रोक्साइड, यही तो सबसे ज्यादा बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस, NaOH, KOH, RBOH, ये हाईली बेसिक है। एल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड्स फॉर्म आयनिक क्रिस्टल्स, ये भी करेक्ट है, आयनिक क्रिस्टल्स ही बनाएंगे। केवल एक ही स्टेटमेंट इसमें इनकरेक्ट है, दैट इज स्टेटमेंट नंबर टू, की एंडोथर्मिक है, पानी में डालोगे तो प्रोसेस एंडोथर्मिक है, ऐसा नहीं है, पानी में डालते ही बहुत हाई हीट निकलती है, प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक, राइट। Which compound on heating decomposes to give CO2? CO2 कौन देता है? N2CO3? या आप हीट करो इसको, no decomposition. Alkali metal के carbonates decompose नहीं होते. Alkaline earth metal के carbonate decompose होते हैं. Alkali metal नहीं होते. K2CO3 आप करो इसको. लेकिन lithium carbonate को अगर आप हीट करोगे तो इट गिव्स लिथियम ऑक्साइड प्लस CO2. क्यों देता है? क्यों देता है? क्या आपने सुना है कि लिथियम का डायगोनल रिलेशनशिप है मैग्नीशियम के साथ? लिथियम इज इन डायगोनल रिलेशनशिप विद मैग्नीशियम। लिथियम कुछ प्रॉपर्टीज ग्रुप टू वाली शो करता है, लिथियम कुछ प्रॉपर्टीज ग्रुप टू वाली शो करता है, और ग्रुप टू के सारे कार्बोनेट डिकम्पोज होते हैं, बचपन से आप एक रिएक्शन पढ़ते आ रहे हो, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड एंड CO2 मिलता है, पढ़ते आ रहे हो, तो बचपन से आपको पता है कि ग्रुप टू के सारे कार्बोनेट डिकम्पोज होते हैं, ग्रुप वन नहीं होते, लेकिन फिर भी ग्रुप वन में कोई धोखेबाज बैठा है, और ग्रुप वन का धोखेबाज एलिमेंट कौन सा है? नेक्स्ट, लिथियम आयोडाइड इज प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट कंपाउंड, चूज द करेक्ट रीजन फॉर द सेम। क्यों ऐसा है कि लिथियम आयोडाइड कोवेलेंट की तरफ थोड़ा सा अलाइंड है, आयनिक ना होकर कोवेलेंट है? साइज डिफरेंस बिटवीन लिथियम एंड आयोडीन इज स्मॉल, नहीं स्मॉल साइज होगा तो कोवेलेंट होगा ही नहीं, कोवेलेंट तब होता है जब साइज डिफरेंस बहुत ज्यादा है, क्योंकि आपने पढ़ा है फजांस रूल, है ना, और फजांस रूल डिटरमाइन करते हैं कोवेलेंट कैरेक्टर, फजांस रूल हमारा डिटरमाइन करते हैं कोवेलेंट कैरेक्टर को, राइट। तो फजांस रूल टू डिटरमाइन कोवेलेंट कैरेक्टर, क्या बोलता है फजांस रूल? कैरेक्टर का स्पेलिंग सही करो, क्या बोलता है फजांस रूल? फजांस रूल कहता है कि कोवेलेंट कैरेक्टर विल बी हाई, कोवेलेंट कैरेक्टर विल बी हाई व्हेन कैटायन हो आपका छोटा, स्मॉल हो आपका कैटायन, एनायन हो आपका लार्ज, मतलब कि साइज का डिफरेंस बड़ा होना चाहिए, स्मॉल कैटायन लार्ज एनायन से तो यही मतलब है कि दोनों में साइज का डिफरेंस बहुत ज्यादा है। तीसरा, हाई चार्ज, चार्ज बहुत ज्यादा हो, और चौथा सूडो नोबल गैस कॉन्फिग्रेशन। सूडो नोबल गैस कॉन्फिग्रेशन का मतलब है 18 इलेक्ट्रॉन्स इन द लास्ट। ये चारों बातें अगर ट्रू होंगी तभी हमारे पास कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। तो अगर ये कह रहा है कि साइज डिफरेंस स्मॉल है, ये तो रीजन, लिथियम इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन आयोडीन, ये भी कोवेलेंट कैरेक्टर का रीजन है। साइज डिफरेंस बिटवीन लिथियम एंड आयोडीन इज वेरी लार्ज, यस दिस इज द ट्रू रीजन फॉर द हाई कोवेलेंट कैरेक्टर, ठीक है। व्हाई डू पोटेशियम रुबिडियम एंड सीजियम ऑल बिलोंगिंग टू ग्रुप वन फॉर्म सुपर ऑक्साइड, क्यों बनाते हैं सुपर ऑक्साइड? पोटेशियम रुबिडियम एंड सीजियम क्यों सुपर ऑक्साइड बनाते हैं? नंबर वन, आयनिक रेडियाई ऑफ पोटेशियम रुबिडियम शो द फॉलोइंग ट्रेंड, सीजियम प्लस की आयनिक रेडियस छोटी, रुबिडियम और पोटेशियम नहीं, गलत है, लॉजिक ही नहीं है, आयनिक रेडियस सीजियम की सबसे बड़ी होगी, सीजियम नीचे। अ लार्ज कैटायन लाइक पोटेशियम रुबिडियम सीजियम स्टेबलाइज अ लार्ज एनायन लाइक पेरोक्साइड, आयनिक रेडियाई ऑफ पोटेशियम सीजियम सबसे बड़ी, रुबिडियम पोटेशियम, बेटा आयनिक रेडियाई का मतलब ही नहीं है कोई, आयनिक रेडियाई के ऑर्डर से हमें क्या लेना देना है कि वो परऑक्साइड बनाएंगे। लोअर आयनाइजेशन एनर्जीज देन ऑफ लिथियम, ये भी रीजन नहीं है।
रीजन ये है कि लार्ज कैटायन जो है, पोटेशियम रुबिडियम एंड सीजियम का जो लार्ज कैटायन है वो स्टेबलाइज कर देता है परोक्साइड आयन को, क्योंकि परोक्साइड आयन भी बड़ा है साइज, वो स्टेबलाइज कर सकता है परोक्साइड आयन को, सुपर ऑक्साइड आयन को, दोनों को। ज्यादा ज्यादा अमाउंट में सुपर ऑक्साइड बनेगा, कम अमाउंट में परोक्साइड। तो दिस इज द रीजन बेटा दे फॉर्म। कोवेलेंट कैरेक्टर डिक्रीजेस इन द फॉलोइंग ऑर्डर, किस ऑर्डर में कोवेलेंट कैरेक्टर डिक्रीज। मैंने आपको चारों रीजन सिखा दिए ना अभी कोवेलेंट कैरेक्टर के, पॉइसन्स रूल आप लोगों ने सीख लिया। तो मेरे पास है एम एफ एम एल एम आर एम आई। देखो मेटल कैटायन तो सब में सेम है, आप एनायन की तरफ ध्यान दो, कैटायन तो सब में सेम है, आप एनायन की तरफ ध्यान दो बेटा। एनायन देखोगे साइज ऑफ एनायन कंपेयर करना जरा, क्लोराइड सबसे छोटा है, फिर क्लोराइड, फिर ब्रोमाइड, फिर आयोडाइड, और जितना बड़ा एनायन, लार्ज एनायन, जितना बड़ा एनायन उतना ज्यादा कोवेलेंट, जितना लार्ज आपका एनायन होगा उतना ज्यादा मेरे पास कोवेलेंट होगा। द करेक्ट ऑर्डर इज एम एफ सबसे छोटा, देन एम सी एल, देन एम बी आर, देन। तो द आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, एम आई सबसे ज्यादा, एम बी आर, एम सी एल, विच इज मोस्ट बेसिक इन कैरेक्टर। मैंने अभी आपको सिखाया कि मेटालिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप बढ़ता है। अगर बेटा मेटालिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप बढ़ेगा, मेटल के हाइड्रोक्साइड जितना ज्यादा मेटालिक कैरेक्टर उतना ज्यादा हाइड्रोक्साइड का बेसिक, मेटल हाइड्रोक्साइड आर बेसिक, और जितना स्ट्रॉन्ग मेटल उतना ज्यादा हाइड्रोक्साइड बेसिक, मेटल हाइड्रोक्साइड का बेसिक कैरेक्टर भी डाउन द ग्रुप बढ़। आप लोगों को ना एक शीट मिला है, आपको सारे ट्रेंड्स दे दिए गए हैं, वो तो बहुत ही रिसर्च के बाद बनाए गए बेटा, उसको बनाने में पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सारे ट्रेंड्स आपको मिले पे। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, क्योंकि आपको t.me/anandmani001 बेटा इस टेलीग्राम चैनल पे आपको एक शीट मिला है, इनऑर्गेनिक शीट, मतलब इनऑर्गेनिक का बहुत ही क्या कहना चाहिए, छोटा पैकेट बड़ा धमाका है कि आपको मान लो कुछ याद है लेकिन आप लास्ट मोमेंट पे उस शीट को भी पढ़ के चले जाओगे, शीट ऑफ ट्रेंड्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ट्रेंड्स ही पूछे जाते हैं मेनली, तो पूरा शीट है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, वो शीट डाउनलोड करो, उसको कहीं पेस्ट करो, ठीक है, कहीं अच्छी जगह ढूंढो सामने जहाँ पे आप रोज देखते हो वहाँ उसको पेस्ट। तो इस क्वेश्चन का आंसर आया था मेरे पास रुबिडियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि सीजियम हाइड्रोक्साइड ऑप्शन में, सीजियम हाइड्रोक्साइड इज नॉट देयर इन द ऑप्शन, आंसर इज रुबिडियम। NaNO3 on heating at 500 degrees बेटा NaNO3 एक्चुअली मेटल के जो नाइट्रेट्स होते हैं वो हीट कर देते हैं NaNO+। एल्कली मेटल नाइट्रेट्स, एल्कली मेटल नाइट्रेट्स ऑन हीटिंग गिव्स एल्कली मेटल नाइट्राइड्स, नाइट्राइड्स प्लस ऑक्सीजन। लेकिन इनमें से एक एल्कली मेटल ऐसा है जो उसको फॉलो नहीं करता। अब तुक्का तुम लोग मारोगे कि कौन सा एल्कली मेटल धोखेबाज होगा, हाँ कौन सा एल्कली मेटल धोखेबाज होगा, जी हाँ बिल्कुल सही, लिथियम नाइट्रेट। ठीक है, अगर आप लिथियम नाइट्रेट को छोड़ दो, लिथियम नाइट्रेट किसकी तरह बिहेवियर शो करेगा, ग्रुप टू की तरह, क्योंकि डायगोनल पड़ोस वाली खिड़की में चांद का टुकड़ा रहता है, याद है। लिथियम नाइट्रेट किसकी तरह बिहेवियर शो करता है, ग्रुप टू की तरह, तो वो हमें देता है लिथियम ऑक्साइड प्लस O2 NO2, NO2 मिलेगा ना, तो लिथियम नाइट्रेट हमें ये देगा, बाकी एल्कली मेटल के नाइट्रेट हमको NaNO2 प्लस O2 देंगे। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर क्लियर है। विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बाइड रिलीजेस हाइड्रोकार्बन ऑन रिएक्शन विद वाटर। देखो हमें ना कार्बाइड का फॉर्मूला दिया हुआ है और ये काफी इम्पोर्टेंट है, जब आप एल्काइन पढ़ते हो, जब आप हाइड्रोकार्बन चैप्टर पढ़ते हो, स्पेसिफिकली आप एल्काइन पढ़ते हो ऑर्गेनिक में, वहां पे ये पूछा जाता है
किसकी पानी से रिएक्शन कराए तो हमें एल्काइन मिलेगा, इथाइन मिलेगा या इथीन मिलेगा, इसका आप सीखो तरीका कि किस तरह से कार्बाइड का हाइड्रोलिसिस कराया जाता है। तरीका सीखो कार्बाइड हाइड्रोलिसिस, रटना नहीं पड़ेगा आज के बाद, तरीका सीखो। Be2C बेरिलियम कार्बाइड हाइड्रोलिसिस, आपको ये तो पता है बेरिलियम पे कितना चार्ज होता है, बेरिलियम पे कितना चार्ज होता है, 2 यूनिट पॉजिटिव, और यहाँ 2 बेरिलियम है, यहाँ पे 2 बेरिलियम है तो टोटल चार्ज कितना हो गया, 4 यूनिट पॉजिटिव, तो कार्बन पे 4 यूनिट नेगेटिव आएगा कि नहीं, लगा पा रहे हो दिमाग। अगर सारा कैटायन का चार्ज, देखो अल्टीमेटली कंपाउंड न्यूट्रल होता है, अल्टीमेटली जितना पॉजिटिव चार्ज कैटायन पे है उतना एनायन पे होगा, ये ट्रिक है हाइड्रोलिसिस की। तो अगर बेरिलियम पे 2 यूनिट का चार्ज है और मेरे पास 2 बेरिलियम है, 2 × 2 = 4, बेरिलियम पे टोटल प्लस 4 का चार्ज आ रहा है, तो सिंपल सी बात है कार्बन पे -4। अब पानी में मेरे पास दो चीजें हैं, H प्लस एंड OH माइनस, बेटा H प्लस जाएगा कार्बन की तरफ, OH माइनस जाएगा बेरिलियम की तरफ। अच्छा कितने H प्लस कार्बन की तरफ भेजोगे, जितना नेगेटिव चार्ज है, यहाँ बन जाएगा CH4+। समझ में आया, क्लियर है? तो ये तो हो गया बेटा मेरे पास पहला। अच्छा मुझे निकालना क्या था, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन ही तो दे रहा है, एक मीथेन है और मीथेन एक हाइड्रोकार्बन, ये मुझे मीथेन मिला। आते हैं दूसरा वाला, कैल्शियम कार्बाइड, ये काफी बच्चों ने रट रखा होगा लेकिन हम इसको ट्रिक्स, कैल्शियम के ऊपर प्लस 2 का चार्ज है और एक ही कैल्शियम है तो ऑब्वियसली C2 के ऊपर -2 का चार्ज हो, क्लियर है? अगर C2 के ऊपर -2 का चार्ज है, कितने हाइड्रोजन इसके साथ आप ऐड करोगे, 2, तो हमें मिलेगा C2H2 मतलब इथाइन, तो ये भी हाइड्रोकार्बन है। अच्छा तीसरा वाला, अगर 2 ने दे दिया तीसरा भी देगा, ये आप लोगों का होमवर्क है, मुझे कमेंट्स में आप लोग बताओगे, मुझे आप लोग कमेंट्स में बताओगे कि मैग्नीशियम कार्बाइड आपने इसी तरीके को, इसी टेक्निक को लगा के कौन सा हाइड्रोकार्बन आपको मिला। सेम तरीके से दिमाग चलाना है, कैटायन का चार्ज देख के एनायन का चार्ज डिसाइड करना है, और जितना एनायन पे नेगेटिव चार्ज उतने हाइड्रोजन चिपका दो, जितना एनायन पे नेगेटिव चार्ज उतने एच प्लस चिपका दो। कमेंट्स में मुझे बता देना ऑप्शन सी में क्या आ रहा है कमेंट्स में। नेक्स्ट, Which of the following compounds are formed when magnesium metal burns in air followed by hydrolysis? Magnesium को burn करेंगे air में और फिर hydrolysis भी। तो magnesium की burning तो सबने की है, burning of magnesium ribbon, वो reaction तो सबको आती है कि MgO मिलेगा। Magnesium metal burns in air followed by hydrolysis। अब बेटा इसका hydrolysis भी कराना है। अच्छा magnesium का nitride भी मिलता है, इस बात का ध्यान रखना। मैग्नीशियम का ऑक्साइड के साथ साथ नाइट्राइड भी मिलता है। अब MgO का हाइड्रोलिसिस कराओगे पानी के साथ तो आपको क्या मिलेगा, मैग्नीशियम, राइट? तो हमें मिल रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस मैग्नीशियम नाइट्राइड प्लस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मतलब ऑप्शन बी, ऑप्शन नंबर बी। फिर स्टेटमेंट आ गए, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में दिमाग लगता है अच्छा पड़ जाता है। ये एम्स में पहले बहुत सवाल आते थे, assertion reason इसी टाइप के होते थे, अभी तो पेपर बहुत आसान हो गया है, आप लोग के लिए पेपर बहुत आसान है, बस आप एक छलांग तो मारो यार तबियत से, है ना, आसमान में छेद हो सकता है, तबियत से एक पत्थर तो उछालो, तो आप एक छलांग तो लगाओ यार, बहुत अच्छे हो जाएगा। अब तो पेपर बहुत आसान है, बहुत ईजी लेवल है पेपर, हर साल पेपर का लेवल ईजी हो। तो Of the various chlorides of alkaline earth metal, BeCl2 is covalent. अब इसको याद भी कर लो, सही लिखा हुआ है, BeCl2 का नेचर covalent. Whereas MgCl2 and CaCl2 are ionic. Be is the first member of group 2. देखो स्टेटमेंट 1 भी सही है और स्टेटमेंट 2 भी सही है, लेकिन स्टेटमेंट 2 करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है स्टेटमेंट 1 का। ये थोड़ी ना एक्सप्लेनेशन है कि फर्स्ट मेंबर है तो कोवेलेंट दे देगा, दिस इज नॉट द एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन कुछ ऐसा होना चाहिए, बेरिलियम का साइज बहुत छोटा है, आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है, ठीक है, पोलराइजिंग पावर बहुत ज्यादा है, इसलिए वो कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है। एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरह का होना चाहिए। स्टेटमेंट 1 ट्रू है, स्टेटमेंट 2 भी ट्रू है कि ग्रुप 2 का पहला मेंबर है, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। सो ऑप्शन नंबर बी, बोथ Statement 1 and 2 are true, but statement 2 is not the correct explanation of statement.
नेक्स्ट अगला सवाल ऑन योर स्क्रीन, बेरिलियम क्लोराइड हैज अ लीनियर स्ट्रक्चर इन सॉलिड स्टेट बट इन वेपर फेज इट टेंड्स टू फॉर्म अ क्लोरीन ब्रिज डाइमर, दिस इज ड्यू टू, ना ना पहली बात तो गलत है सवाल, बेरिलियम क्लोराइड हैज अ लीनियर स्ट्रक्चर इन वेपर स्टेट, वेपर फेज में लीनियर है बट इन द सॉलिड स्टेट ये डाइमर बनाने की कोशिश करता है, मतलब जब सॉलिड या लो टेम्परेचर पे आप लेके जाओगे तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो अपनी इलेक्ट्रॉन की कमियों को पूरा करने के लिए ये डाइमर बनाने की कोशिश करता है, समझ। मेरे पास BeCl2 है, ठीक है बस इतना ही है, तो दो ऑर्बिटल बेरिलियम के खाली पड़े हुए हैं, तो ये क्या करेगा, पड़ोस वाले बेरिलियम के साथ डाइमर बनाने की कोशिश करेगा, कैसे, क्लोरीन का जो लोन पेयर है बेटा अपने ऑर्बिटल को ओवरलैप करा के, ये भी क्लोरीन के लोन पेयर पे अपने ऑर्बिटल को ओवरलैप कराएगा, तो इस तरह से डाइमर बनाता है, क्या रीजन है, इट्स स्मॉल साइज, इट्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नेचर, बिल्कुल डाइमर बनने का रीजन ही है कि बेरिलियम का ऑर्बिटल खाली है, मतलब बेरिलियम के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नेचर की वजह से इट ट्राइज टू फॉर्म द डाइमर। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कलाइन अर्थ मेटल सल्फेट हैज हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी इन वॉट, हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी इन वाटर, अच्छा BaSO4 कैसा पढ़ा है आपने, BaSO4 तो काफ़ी कॉमन है, आप इसको सॉल्यूबल पढ़ते हो कि PPT पढ़ते हो, BaSO4 तो बहुत कॉमन है, मतलब आपको याद होगा क्लास 9-10 से याद होगा कि BaSO4 इज अ वाइट पी, BaSO4 गिव्स अ वाइट प्रेसिपिटेट, PPT मतलब प्रेसिपिटेट, तो BaSO4 सॉल्यूबल नहीं है, ऑर्डर क्या है, बेरिलियम कैल्शियम, बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रॉन्शियम बेरियम, तो अगर बेरियम आपका PPT दे रहा है मतलब सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है, सबसे ज़्यादा जो सॉल्युबल है वो है बेरिलियम का या बेरिलियम सल्फेट की हम बात कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा आपका सॉल्युबल है BeSO4, मतलब ऑप्शन नंबर वन, क्योंकि BeSO4 तो सबको पता है, वेल नोन फैक्ट है कि BeSO4 इज अ Which of the following salts does not impart color to the flame? देखो अल्कली मेटल में तो सारे कलर देते हैं, लिथियम देता है, सोडियम देता है, पोटेशियम देता है, रुबिडियम देता है, अल्कलाइन मेटल में बेरिलियम और मैग्नीशियम नहीं देते हैं, है ना, याद किया होगा, कैल्शियम स्ट्रॉन्शियम और बेरियम कलर देते हैं, कोई कंपाउंड है यहाँ पे बेरिलियम का या मैग्नीशियम का, ऑप्शन नंबर ए, मैग्नीशियम क्लोराइड कलर नहीं देगा, बाकी स्ट्रॉन्शियम बेरियम पोटेशियम तो कलर देते हैं। मैच द कॉलम वन विद कॉलम सेकेंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन, अच्छा सवाल है, अच्छा सवाल है, अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट डालो, मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट, प्लास्टर ऑफ पेरिस, सॉल्वे प्रोसेस, फ्लाई ऐश, क्या क्या समझ आ रहा है, फ्लाई ऐश, प्लास्टर ऑफ पेरिस, सॉल्वे प्रोसेस एंड मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट, पोर्टलैंड सीमेंट में कैल्शियम ऑक्साइड है और सिलिकॉन ऑक्साइड है ना, तो दोनों को मिला के कुछ मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट बन रहा होगा, सॉल्वे प्रोसेस से हम क्या बनाते हैं, सॉल्वे प्रोसेस से तो हम Na2CO बनाते हैं, राइट, सोडियम कार्बोनेट, तो सॉल्वे प्रोसेस को जरा मैच करें तो सी तो जाएगा 4 के साथ, मतलब बी ऑप्शन खत्म, डी खत्म, एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे, तो C4 के साथ जा रहा है, सॉल्वे प्रोसेस से हम Na2CO3 बनाते हैं, ठीक है। अब आप ये देख लो प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, कैल्शियम का सल्फेट होता है बेटा प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जाएगा 3 के साथ बिकॉज इट इज कैल्शियम सल्फेट, ठीक, बी के साथ जाएगा, P3 के साथ और C4 के साथ, कौन सा ऑप्शन आ रहा है हमारा, ऑप्शन नंबर ए, P3 के साथ एंड C4 के साथ, अब देख लो कि फ्लाई ऐश क्या है और मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट, पोर्टलैंड सीमेंट का मेजर कॉन्स्टिट्यूशन है बेटा, कॉन्स्टिट्यूएंट है बेटा Ca3SiO5 एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस है CaSiO2, Be2C H2O Be+X, Ca2H2O कैल्शियम हाइड्रोक्साइड+Y, ये एक तरह से सवाल रिपीट हुआ है क्योंकि हमने अभी अभी देखा
यहाँ पर CH4 और यहाँ पर CH2, और तीसरा वाला मैंने आपको कमेंट्स के लिए दे दिया था, तो तीसरा वाला आप निकालोगे और मुझे इस सवाल का जवाब भी आप कमेंट्स। तो दिस वाज ऑल इन दी ऑल पॉसिबल क्वेश्चन ऑफ एस ब्लॉक। एस ब्लॉक के क्वेश्चंस हमने देखे, अच्छे से इनको अटेम्प्ट करो और भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। एंड ब्लॉक केमिस्ट्री में अभी बाकी है, इसके बाद भी आपको पी ब्लॉक डी ब्लॉक के क्वेश्चन लगाने हैं, तब जाके आपके 35 to 40 मार्क्स गारंटीड हो। तो एक दिन बहुत है यार, एक दिन में हमने इतना पढ़ा है कि हम पूरा ब्लॉक केमिस्ट्री खत्म कर दिया। तो काफ़ी अच्छे से आप लोगों ने भी सेशन अटेंड किया। अभी हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी ऐसा करेंगे, तो हम ट्राई करेंगे कि हम मई के महीने में हम पूरा केमिस्ट्री करें, ताकि जून हम सिर्फ रिविजन। राइट, टेक केयर एवरीवन, सी यू नेक्स्ट लेक्चर।